वीडियो देखने के बाद आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं मंथली या ईयरली। तो आपको टाइटल से पता लग गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्री प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हमें ईमेल एड्रेस आपको पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप फ्रीलांसिंग हो, चाहे आपका कोई बिजनेस हो या बिजनेस ओनर हो, या आप एजेंसी हो, या फिर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हो, ई कॉमर्स करते हो, लेकिन इसके लिए आपका प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। चाहे आप ईमेल मार्केटिंग करते हो, ऑटो रेस्पॉन्डर यूज़ करते हो, जब तक आपका प्रोफेशनल ईमेल आईडी नहीं होगा तो आपका बिजनेस ग्रो कर नहीं सकता, ना ही आप कोई कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, ना कोई आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। और ईमेल हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए आपका प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना जरूरी है, वरना आपका जो मेल्स होते हैं स्पैम में चला जाता है, ना तो कोई क्लाइंट ना कस्टमर आपको रिस्पोंड करेगा, बिकॉज आप बहुत अनप्रोफेशनल लगेंगे बिना प्रोफेशनल ईमेल आईडी के। तो इसलिए प्रोफेशनल ईमेल आईडी होना कितना ज़रूरी है आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब प्रोफेशनल ईमेल आईडी लेने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप प्लान ले, सब्सक्रिप्शन होता है, मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान होता है, तो आप देख सकते हैं, या तो आप जैसे गूगल वर्क स्पेस बाय कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं इसका स्टार्टर प्लान, आप देख सकते हैं 136, 736, वाट एवर, जो अलग अलग प्लान होते हैं उसके जो कैपेसिटी क्या क्या फीचर्स के हिसाब से। तो एक तरीका वो है, आप परचेज करें मंथली सब्सक्रिप्शन और उनको मंथली पे करें। गूगल वर्क स्पेस के अलावा जैसे होस्टिंग करें, नेमचीप है, या बहुत सारे होते हैं जो आपको प्रोफेशनली मंथली ईयरली बिजनेस इंडिविजुअल प्लान प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनको आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे तरीके भी होते हैं जिनका यूज़ करके हम बिना पे किए भी प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरीके में बता, एक तरीका होता है जिसमें आप जीमेल को भी एज ए बिजनेस ईमेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इस तरीके को मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, इसमें आपको जीमेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए सिर्फ आपको एक चीज़ की ज़रूरत होती है, मतलब आपका ऑलरेडी वेबसाइट होगा ही, डोमेन होगा ही, तो बस आपको सिर्फ डोमेन की ज़रूरत है और इसका यूज़ करके आप प्रोफेशनल ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं। तो यह तो हो गया सारा इंट्रो, जो जो था, आप मुद्दे पे आते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्री बिजनेस ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं जोहो का। तो अगर आपको नहीं पता जोहो क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जोहो एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या सीआरएम, ईमेल, मतलब बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये ईमेल भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है। तो आप कैसे जोहो का यूज़ करके, इसका जो फ्री प्लान का यूज़ करके कैसे प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं और अपने डोमेन से कनेक्ट कर सकते हैं, तो इस सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जस्ट मुझे फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। जोहो मेल आपको सर्च करना है, तो आप जोहो मेल पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा पहला लिंक दिखेगा, तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा गेट स्टार्टेड विद एड फ्री ईमेल, तो ईमेल यहाँ पे दो ऑप्शन चूज दिख रहा होगा, बिजनेस ईमेल और पर्सनल ईमेल। तो आपको यहाँ पे चूज़ करना है बिजनेस ईमेल। तो अभी आपको यहाँ पे लगने वाला है आपका नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड, तो यहाँ पे आप अपना डिटेल एंटर कर देना प्रॉपरली, नेम, ईमेल, पासवर्ड और फोन नंबर। उसके बाद हम जाते हैं साइन अप फ्री पे। ओके, तो मैं एंटर कर देता हूँ अपना डिटेल्स। तो अभी मैं क्लिक करता हूँ साइन अप फ्री, वाह, तो इसको चूज कर लेता हूँ। और तो अभी आपको एंटर करना है ओटीपी। ओके, तो मैं एंटर कर देता हूँ, तो ये ओटीपी वेरीफाई करेगा और इसका ऐसा ऐसा इसका सेटअप विंडो आपको दिख जाएगा। तो भी आपसे यहाँ पे करंट INR सेलेक्टेड है, लेकिन आपको इनसे डरना नहीं है, ये प्राइस देख के आपको स्क्रॉल करके सीधा नीचे जाना है, और यहाँ पे ये देख रहा है वी ऑल्सो हैव अ फ्री प्लान फॉर यू अप टू 5 यूजर, 5 GB और 25 MB अटैचमेंट लिमिट। तो हम यूज़ करने वाले हैं फ्री प्लान, तो करो ट्राई पे। ओके, तो अभी यहाँ पे ये वेलकम टू जोहो ईमेल। नाउ अभी अपने को क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना डोमेन ऐड करना है, जिसके लिए हम प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल आईडी क्रिएट करने वाले हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं ऐड कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है आपका ईमेल आईडी, तो मैं अपना ईमेल आईडी कॉपी कर लेता हूँ नेमचीप अकाउंट से। इसके अलावा ये आपसे पूछ रहा है प्रोवाइड योर ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपका जो डोमेन नेम है वही डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इंडस्ट्री टाइप, तो इंडस्ट्री टाइप में आपका जो भी रिलेटेड हो वो चूज कर सकते हैं।
तो ऐसा कुछ, इट्स जस्ट फॉर्मैलिटीज, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप इसको अदर भी चूज कर सकते हैं, तो मैं अदर चूज कर ले सकता हूँ और एड न्यू, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तो मेरा ये डोमेन एड हो चुका है। अभी आपको जाना है डोमेन वेरिफिकेशन के लिए, तो अभी आप क्लिक करते हैं प्रोसीड टू डोमेन वेरिफिकेशन। तो इसका पहला स्टेप, इस पहला स्टेप क्या है, हमको TXT रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं DNS के अंदर। तो इसके, तो ये अलग अलग मेथड आपको दिखा रहा है, अगर आप इसको चूज करेंगे तो ये तीन मेथड दिखा रहा है, या तो आप TXT रिकॉर्ड ऐड कर लो, या CNAME कर लो, या HTML फाइल अपलोड कर दो आपकी वेबसाइट पे, जबकि हमारी तो वेबसाइट है नहीं या हो भी नहीं सकती, लेकिन हमें ईमेल से मतलब है, तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, TXT रिकॉर्ड या CNAME। तो मैं पहले वाला यूज कर लेता हूँ, तो मैं सेम ही है, तो TXT रिकॉर्ड ऐड करूंगा। तो आपका जो होस्ट नेम एट द रेट एंटर करना है, और आपका जो TXT वैल्यू है इसको आप कॉपी मार लेना है यहाँ से। तो यहाँ से कॉपी मार के आपको जाना है आपके DNS प्रोवाइडर के अंदर, चाहे वो आपका डेडी का गो हो, मतलब गो डेडी, या नेम का चीप नेम हो, या नेम चीप हो, जो भी हो, आप उस, आपको वहाँ पे जाना है। तो मैं आ गया हूँ अपने इस DNS के अंदर, और यहाँ पे आपको जाना है एडवांस DNS। तो जब आप एडवांस DNS पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, तो भी आपको यहाँ पे एड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, और कौन सा रिकॉर्ड अपने को ऐड करना है, TXT। तो ये TXT रिकॉर्ड यहाँ पे एट द रेट और वैल्यू में जो हमने कॉपी किया था, तो इसको क्लिक कर देना और सेव चेंजेस। तो यहाँ से ये सेव हो गया, हम फिर से वापस जाते हैं अपने जो के अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो हमने ऐड कर दिया है वहाँ पे अपने, और सेव मार दिया है, मतलब कर दिया है, इसको करते हैं वेरीफाई TXT रिकॉर्ड। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ये बोल रहा है यू मस्ट हैव टू वेट फॉर 30 मिनट्स मिनिमम, तो इस दिन में ये इसको वेरीफाई कर लेगा टॉप रीजंस। तो मेरा ये जो टेक्स्ट रिकॉर्ड वेरीफाई हो गया है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने जस्ट 5 मिनट लिए और मेरा ये वेरीफाई हो गया है रिकॉर्ड। तो अभी इसके बाद इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया है सेकेंड स्टेप पे, नाउ यू हैव वेरीफाइड योर डोमेन ऑनरशिप, यू आर द सुपर एडमिन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट योर डोमेन बेस्ड ईमेल। तो अब हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले ईमेल आईडी इस डोमेन के लिए, तो आप यहाँ पे अपने नाम से भी कर सकते हैं, या आप सपोर्ट सेल या जो भी आपको चाहिए उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ कॉन्टेक्ट एट द रेट हेल्थ स्टोर, तो मैं कॉन्टेक्ट नाम से ईमेल आईडी क्रिएट कर देता हूँ, प्रोफेशनल ईमेल। इसके बाद मुझे क्लिक करना है क्रिएट पे, तो ये घूमता घूमता वो आपको अगले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो हम आ गए हैं इसके अंदर यूजर सेटअप के अंदर, तो जो हो ईमेल यूजर, अगर आपको और भी यूजर ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे अलग अलग टीम में, तो उनके लिए आप, तो आप बाद में भी यहाँ पे और भी यूजर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम अब जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो अभी आपको बॉटम में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा प्रोसीड टू सेटअप ग्रुप, तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो अगर आपको यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करना है, तो आप मल्टीपल ईमेल आईडी के लिए एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, और एक ईमेल आईडी के थ्रू मल्टीपल पीपल को ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो क्रिएट कर सकते हैं, तो लेकिन मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं अभी ग्रुप क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जाता हूँ प्रोसीड टू DNS सेटिंग। तो आपको बिलो बटन पे क्लिक करना है प्रोसीड टू DNS मैपिंग। तो अब हम DNS एड रिकॉर्ड ऐड करने वाले हैं, तो इस पे क्लिक करना। तो अभी आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा होगा डरावना से रिकॉर्ड, तो इससे आपको डरना नहीं है, अभी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा ये। तो आपको इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे DNS के अंदर कहाँ पे ऐड करना है। तो जस्ट आपको रिकॉर्ड टाइप MX होस्ट एट द रेट और इसको कॉपी करना है MX, और इसका प्रायोरिटी 10, 20, 50। तो अब मैं जाता हूँ अपने उसके अंदर, और मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ नेम चिप के अंदर। अगर आपका GoDaddy है तो वहाँ भी आपको सेम ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम चलते हैं नेम चिप के अंदर। तो नेम चिप के अंदर एक्चुअली आपको जो MX रिकॉर्ड, एक ऑप्शन तो यहाँ पे होता है DNS होस्ट रिकॉर्ड के लिए, और नीचे जाएंगे तो आपका मेल सेटिंग्स के लिए। तो GoDaddy में एक साथ ही होता है, मतलब ऐसा ऐसे सेपरेशन नहीं होता, आप एक जगह से ही ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, अभी आपको जाना है नीचे यहाँ पे ईमेल फॉरवर्डिंग, तो आपको यहाँ से चूज करना है कस्टम MX। तो यहाँ पे डालना है होस्ट का नेम एट द रेट वैल्यू प्रायोरिटी 10 और इसको कर देना है सेव। अभी आपको ऐड करना है दूसरा रिकॉर्ड सेम एट द रेट प्रायोरिटी 20 और वहाँ से आप रिकॉर्ड कॉपी कर लेना। तो मैंने तीनों MX रिकॉर्ड ऐड कर दिए, अब हमें
ऐड करने हैं दूसरे रिकॉर्ड्स। तो इसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड है एसपीएफ। अभी एसपीएफ क्या होता है आपको डिटेल में नहीं जाना है, तो इस स्पैमर से बचाने के लिए आपका स्पैम में नहीं जाएगा, तो स्पैमर से बचाने के लिए एसपीएफ प्रोटोकॉल जो भी होता है जस्ट आप इसको कॉपी करना है और यहाँ पे टीएक्सटी रिकॉर्ड करके क्रिएट करके एट द रेट एड करना है। तो भी आपको यहाँ पे टीएक्सटी रिकॉर्ड क्रिएट करना है, टीएक्सटी रिकॉर्ड एट द रेट और वैल्यू जो आपको मिली थी और इसको कर देना है सेव। इसके बाद आपको ऐड करना है TXT रिकॉर्ड ही ऐड करना है, और लेकिन इसका होस्ट नेम ये वाला होगा ये जो भी इसने दिया है, और इसका वैल्यू ये होगा। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी होस्ट की को कॉपी करते हैं यहाँ से और जाते हैं, तो इसको भी ऐड कर देते हैं TXT रिकॉर्ड, इसको कर देते हैं सेव। तो ये हमने सारे रिकॉर्ड्स जो जो इसने बताए थे यहाँ पे हमने नीचे MX रिकॉर्ड ऐड कर दिए थे और दो ये TXT रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए हैं। अब हम फिर से जाते हैं जोहो के अंदर, देखते हैं वो क्या बोलता है। तो अभी आपको फिर से क्लिक करना है वेरीफाई ऑल रिकॉर्ड्स, देखते हैं कितना वेरीफाई होता है। तो यह इस फिर से इसको थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज इट टाइम लेता है। यू मे हैव टू वेट 30 मिनट टू 1 डे फॉर दिस चेंज टू टॉप पे गेट। तो इसको वैसे इतना टाइम लेता नहीं है, अभी आप देख सकते हैं थोड़ा ही जल्दी वेरीफाई हो जाएगा। तो थोड़ा वेट करते हैं 5 मिनट, या फिर अगर आपको वेट नहीं करना है तो हम जा सकते हैं प्रोसीड टू ईमेल माइग्रेशन नेक्स्ट। तो ये आप देख सकते हैं मेरे ये विद इन अ मिनट मेरे ये MX और SPF रिकॉर्ड तो वेरीफाई हो गए, अभी ये वाला भी चल रहा है। तो लेट्स वेट, तो ये भी थोड़ी देर में हो जाएगा, तब तक हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप है, मतलब हमारा काम तो हो जाएगा। तो आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू ईमेल माइग्रेशन। तो यहाँ पे ये ईमेल माइग्रेशन मतलब डाटा, अगर आपका डेटा है, अगर आपको डेटा माइग्रेट करना है जोहो के अंदर तो आप कर सकते हैं, वरना हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू गो मोबाइल। अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट आपको जाना है प्रोसीड टू कंप्लीट सेटअप। तो योर सेटअप इज कंप्लीट, वाओ, नाउ यू आर रेडी टू बिगिन योर जर्नी विद जोहो। तो अब हम जाने वाले हैं चेकआउट योर ईमेल बॉक्स, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये इसका जोहो का जो पर्सनल ईमेल इनबॉक्स होता है, तो ये हमारा अभी स्वागत कर रहा है। तो हम इसको स्किप कर सकते हैं या आप इसको थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं। मैनेज योर लोकल, तो आपको टाइम पास करना है तो कर लेना, या इसको आप स्किप कर देना, ठीक है। तो हम जाते हैं जो हो ईमेल, तो हमें ये जो हो ईमेल आ गया है, मतलब हमारा ईमेल इससे प्रोपेगेटेड हो गया है, मतलब इसमें सेटअप हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं आपको ये वेलकम ईमेल इसने भेजा है। तो अब हम करने वाले हैं ईमेल सेंड, मतलब हमने जो ईमेल इसके अंदर डाला हुआ है ऐड किया है कॉन्टेक्ट एट द रेट सब जो भी वॉट एवर, तो वो अभी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम टेस्ट करते हैं। तो हमने ईमेल तो बना लिया, अभी चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब मैं जाता हूँ कोई भी अपने एक जीमेल अकाउंट के अंदर टेस्टिंग के लिए, और वहाँ से ईमेल सेंड करता हूँ इस कॉन्टेक्ट एट द रेट जो भी मेरा डोमेन है उसको। तो मैं एक इसके अंदर आया हूँ एक जीमेल अकाउंट के अंदर, और यहाँ से कंपोज ईमेल करता हूँ और टू में डालता हूँ कॉन्टेक्ट एट द रेट मेरा जो डोमेन है, और इसका सब्जेक्ट इसको क्लिक करते हैं सेंड पे। तो अब जाके चेक करते हैं जोहो के अंदर, जो हो ओके। तो हम जोहो के अंदर आ गए, तो इसका अभी तक तो कुछ आया नहीं है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो अभी आप देख सकते हैं मतलब मुझे यहाँ ईमेल आ गया है यहाँ पे टेस्ट जोहो कस्टम ईमेल। तो मैंने जो ये टेस्टिंग ईमेल है डिजिटल जो भी है मेरा इससे किया था, तो आप देख सकते हैं मुझे ये ईमेल मिल गया है सही सलामत। अगर मैं इसको रिप्लाई भी कर सकता हूँ, तो अगर जैसे मैं इसको रिप्लाई करता हूँ तो आप किसको जाएगा, कॉन्टेक्ट एट द रेट हेल्थ स्टोर डॉट कॉम। फ्रॉम मतलब मेरा ये ईमेल आ रहा है और इस ईमेल आईडी को जाएगा जिससे मैंने इसको सेंड किया था। तो ये भी टेस्ट कर लेते हैं कि इससे ईमेल जाता है या नहीं। तो मैंने जैसे इसको थैंक यू ईमेल भेज दिया है और इसको क्लिक कर देना है सेंड पे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करता है सेंडिंग। तो ये मैंने ईमेल सेंड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं ओके। तो ये मेरा इनबॉक्स है, तो फिर से मैं जाके अपना ईमेल चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं मेरे इस ईमेल के अंदर आया, तो मुझे यहाँ से ईमेल आया है इससे। तो आप ये नाम चेंज कर सकते हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो फ्रॉम में आप देख सकते हैं ये जो आप मेरा तो आप देख सकते हैं फ्रॉम मतलब मुझसे कॉन्टेक्ट एट द रेट जो भी मेरा डोमेन है, यहाँ से मुझे ईमेल आया है। तो ये था एकदम फ्री, आपको फ्री में आप क्रिएट कर सकते हैं आपका प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल अकाउंट, प्लस एक ही नहीं आप मल्टीपल। तो
तो ऐसे आप मल्टीपल ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर जो को एक्सप्लोर करना है तो आप कर सकते हैं। अगर जब आप यहाँ पे जाएंगे तो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे सीआरएम होता है, फॉर्म्स होता है, लेकिन आपको उनसे भी कुछ लेना नहीं है। तो आपको अगर प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको यहाँ से माई अकाउंट है, अगर जब आप इस पर क्लिक करेंगे एडमिन कंसोल पे तो आपको वहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएंगे कैसे यूज़र एड करने। तो अभी हमें इसके मेल के अंदर अगर आप इसका यूआरएल जाके देखते हैं तो आपको दिखेगा mail.zoho.in। ओके, और अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो अगर आप इस पर जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं कंसोल, एडमिन कंसोल, तो आपको ये वाला विंडो ओपन होगा। तो यहाँ पे आप जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे हमारा ये डोमेन है तो आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। अपने को 5 लाइसेंस है, मतलब फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। डोमेन है तो आप यहाँ पे और भी डोमेन ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे केवल एक कॉन्फ़िगरेशन पेंडिंग था DKIM, तो ये भी हो जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह कि इससे जो भी आपका ईमेल जाएगा वो आपके इनबॉक्स में जाएगा, स्पैम में बिल्कुल नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा काम खत्म हो गया। तो देखा आपने कैसे आप फ्री में प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल आईडी, मतलब मल्टीपल ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो यह था आपका जो हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत सारी वैल्यू मिली होगी, बहुत सारा आपका पैसा बच जाएगा, आप इजिली प्रोफेशनली ईमेल क्रिएट कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।